Now next example based on array and pointer convergence. इस केस में जस्ट मैंने प्रोवाइड क्या किया different different declarations of convergence based on two dimensional array and equivalent pointer convergence. इस पर्टिकुलर केस इसको मैं आपको फाइंड आउट क्या करना which is equivalent to option of a of j of k. इस केस में j क्या है रो इंडेक्स एंड k क्या है कॉलम इंडेक्स. मैं इसे कोई एरे की बने आपके पास एरे a एरे का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है डेटा टाइप के प्लेस पर जस्ट वर्ड यूज हो रहा बेस टाइप. अगर एरे का टाइप इंटीजर है देन बेस टाइप के प्लेस पर सभी प्लेस पर रिप्लेस क्या करूं इंट. अगर एरे का टाइप कैर है देन बेस टाइप के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे जस्ट कैर. क्लियर लाइक दैट. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस इसमें से फाइंड आउट करना है इसका इक्विवेलेंट परफेक्ट कन्वर्जन किस ऑप्शंस में प्रोवाइड हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट वन इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रखा है. डायग्राम्स के अकॉर्डिंग इस केस में चेक कर सकते हो एरे गिवन है इसे एरे का जस्ट बेस टाइप क्या यूज करोगे जस्ट इंटीजर. सपोज दैट इंटीजर टाइप का एरे डिफाइन किया है इस एरे के केस में नेम क्या है ए. देखा है उस डायग्राम का इसमें ऑप्शन से कोई भी लेसन नहीं जस्ट इस डायग्राम के बेसिस पर ऑप्शन को प्रूव करें. क्लियर. देन इस केस में अगर इस बात करें रो मैक्सिमम साइज मीन्स नंबर ऑफ मैक्सिमम रो कितने हैं इसके अंदर जस्ट थ्री एंड मैक्सिमम कॉलम्स कितने हैं फोर. फोर इज थ्री इज रो मैक्स साइज मीन्स आर मैक्स एंड फोर इज कॉलम मैक्सिमम साइज मीन्स सी मैक्स. क्लियर. एंड इसके इसमें इंटीरियर क्या है इंटीरियर इज नथिंग इट इज अ बेस टाइप ऑफ एरे मीन्स बेस टाइप. वन मोर थिंग्स किसी भी एरे के अंदर रो का लेंथ क्या होगा ऑप्शन में जस्ट वर्ड क्या यूज रहा बेस टाइप. तो बेस टाइप के प्लेसेस पर प्रूव करने के लिए रिप्लेस क्या करेंगे इसे पर्टिकुलर एरे के अकॉर्डिंग इंटीजर. दूसरा केस क्या है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रो किसी भी रो का लेंथ क्या होगा रो का लेंथ मीन्स रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो रो के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स कितने वन टू थ्री फोर. सेकेंड रो में भी एलिमेंट कितने ऑल्सो वन टू थ्री फोर मीन्स रो का लेंथ एग्जैक्टली किसके इक्विवेलेंट होगा इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ कॉलम्स. चेक कर सकते हो पर्टिकुलर टेबल के अंदर कॉलम्स कितने हैं फोर और किसी भी रो का लेंथ भी क्या है ऑल्सो फोर. तो रो के लेंथ के प्लेस पर एवरी टाइम रिप्लेस क्या करेंगे फोर. हेयर रो लेंथ इज नथिंग बट कॉलम मैक्सिमम साइज. रो लेंथ इज इक्विवेलेंट टू कॉलम मैक्सिमम साइज. रो लेंथ के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या करेंगे कॉलम मैक्सिमम साइज. देन प्रूव करते हैं इस केस में ऑप्शन वन बाई वन विच इज करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट केस अगर देखा जाए फर्स्ट केस में ए ऑफ जे ऑफ के से जस्ट रिप्रेजेंट क्या हुआ एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस में प्रूव करने के लिए कोई एलिमेंट यूज कर लेता हूँ एज अ ए ऑफ टू ऑफ थ्री. ए ऑफ टू ऑफ थ्री के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या होना चाहिए वैल्यू ऑफ ए ऑफ टू ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो इस प्लेस पर हम इसे रिप्लेस करना चाहिए वैल्यू ऑफ लोकेशन वन टू टू. इसका वैल्यू कब मिलेगा जब आप इस प्लेस पर अप्लाई क्या कराओ स्टार वन टू टू. स्टार वन टू टू रिप्रेजेंट क्या करेगा वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन. चेक करते हैं इन दैट केस जस्ट इस केस में डायग्राम के अकॉर्डिंग जे के प्लेस पर क्या यूज करोगे टू एंड के प्लेस पर यूज क्या करेंगे थ्री. बेस टाइप के प्लेस पर यूज क्या करेंगे इंटीजर एंड रो लेंथ के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे कॉलम मैक्सिमम साइज. देन इसका इक्विवेलेंट केस क्या आना चाहिए इक्विवेलेंट टू दैट वन. इसमें जस्ट ए ऑफ टू ऑफ थ्री के लिए प्रूव कर रहा हूँ. ए ऑफ टू ऑफ थ्री में सपोज दैट इस प्लेस पर कोई वैल्यू स्टोर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व. तो इस केस में फाइनली रिप्लेस करना चाहिए वैल्यू ऑफ मीन्स इस प्लेस पर वैल्यू क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ऑफ टू ऑफ थ्री. ए ऑफ टू ऑफ थ्री का वैल्यू क्या है जस्ट ट्वेल्व. तो इस केस में किस ऑप्शन से आपको 12 मिलेगा जिस ऑप्शन से आपको 12 मिलेगा वो ऑप्शन क्या होगा अपने आप में परफेक्ट ऑप्शन. इस केस में बेस टाइप के प्लेस में रिप्लेस क्या कराएंगे जस्ट इंटीजर. सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को प्रूव कर रहे हैं बेस टाइप के इस केस में इंट. तो इसका मीनिंग क्या हुआ इंट स्टार. तो ए कन्वर्ट किस में हो जाएगा इंट स्टार में और ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या करा हुआ एरे का बेस एड्रेस. बेस एड्रेस क्या है जस्ट 100. लेकिन 100 जब इंट स्टार में टाइप कास्ट होगा तो ये 100 कितने बाइट्स के एड्रेस को रेफर करेगा जस्ट 2 बाइट्स. तो 100 में जब भी इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा ऑल्सो 2 बाइट्स से. क्लियर. नेक्स्ट वन जे. जे के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या करेंगे 2 व्हाट इज द रो लेंथ. रो लेंथ क्या है इस केस में रो लेंथ मीन्स कॉलम मैक्सिमम साइज विच इज 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस के. के का वैल्यू क्या गिवन है 3 अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सपीरियंस 3. इसको सॉल्व कराओ तो 4 मल्टीप्लाई टू इज 8 8 प्लस 3 इज 11. देन इस केस में जस्ट 11 ऐड किससे हो रहा है 100 से. अगर 100 में 1 से एडिशन करा दो तो एडिशन कितने से होता है 2 से क्योंकि इसका टाइप क्या है इंटीजर टाइप ऑफ एड्रेस. तो यहाँ मल्टीपी से जो भी एडिशन परफॉर्म हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई किससे कराओगे 2 से. क्लियर. तो 11 मल्टीप्लाई टू इज 22 22 ऐड किस में हो जाएगा 100 में. तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा 100 प्लस 22 इज 122. लेकिन इस केस में इस एक्सप्रेशन से आपको क्या मिल रहा है
वैल्यू ऑफ दैट सच लोकेशन, इस लोकेशन का आपको वैल्यू मिला एड्रेस, एड्रेस, जबकि इस केस में क्या मिलेगा आपको वैल्यू, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट ऑप्शन। क्या अगर आपको वैल्यू का मिलता, अगर इस प्लेस पर स्टार अप्लाई किया गया होता देन ये ऑप्शन क्या देता आपको स्टार 122, स्टार से क्या मिलता आपको वैल्यू ऑफ लोकेशन 122 विच इज 12। देन इस केस में चेक कर लो कमी में से पूरा ऑप्शन परफेक्ट था, ओनली इस केस में कमी क्या थी इससे स्टार, तो स्टार में सेकेंड ऑप्शन को चेक करो, सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है, इस प्लेस पर जस्ट ऑकर किया हुआ था बेस टाइप, बेस टाइप, तो बेस टाइप के केस में इसे पूरा का पूरा ऑप्शन एग्जैक्टली मैच हो रहा है एक्सेप्ट इन दिस स्टार। अगर मीन इस केस में ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ इसे एक्सप्रेशन के प्लेस पर गया था जस्ट 122 प्लस इसके साथ जब स्टार अप्लाई हो तो इससे क्या मिलेगा वैल्यू ऑफ स्टार 122, स्टार 122 में वैल्यू का डायग्राम के अकॉर्डिंग 12, दिस इज द परफेक्ट ऑप्शंस। अगर नेक्स्ट केस चेक करते हैं, नेक्स्ट केस में क्या प्रॉब्लम है चेक आउट, स्टार बेस टाइप का इस केस में इंट, क्योंकि बेस टाइप का इस केस में इंट, तो इस प्लेस पर ओनली क्या रिप्लेस करोगे इंट, जबकि प्रीवियस केस में एक्स्ट्रा क्या था स्टार, तो यानी टाइप कास्टिंग मीन से ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 100 और 100 का एड्रेस, लेकिन ये एड्रेस कन्वर्ट किस में हो रहा है इंटीजर में नॉट अ एड्रेस, मीन से आपको रिक्वायर्ड किया था स्पेस पर एड्रेस, लेकिन जब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा एवरी टाइम 1 से, देन इट इज इनवैलिड। सेम एज इन दैट केस, इस केस में टाइप कास्टिंग किस में हो रहा है ओनली प्रिमिटिव टाइप्स में, एड्रेस को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करो देन ऑपरेशंस भी कैसे होंगे प्रिमिटिव ऑपरेशन, इट इज ऑल्सो इनवैलिड। फाइनली परफेक्ट ऑप्शन क्या बी इज करेक्ट ऑप्शन।